Are you happy with Indian police and UP police? If I'm happy with Indian police, yes. Happy? Are you happy? Yeah, I'm happy with your service, and I'm happy with your kindness, and I'm happy with your excuses. Thanks to UP Thank police. Thank you very much. And UP police, to thank to UP police. I'm sorry, Mai. May Agra police like she, Agra he just police. Want to have like we have given you in this half an hour response. What I very quick, you, very quick response. Thank very you very quick much. Response. I promise you, we will be giving them back the money within half an hour, and yeah, that and I got the money back. My people are happy now. Your good name, ma'am. Tamara. You're from. नेदरलैंड्स सर क्या मामला था ये पर्यटक के साथ क्या धोखाधड़ी का मामला है क्या मामला है पूरा जो नीदरलैंड के पर्यटक के साथ जो कुछ हुआ है आज सुबह नीदरलैंड के पर्यटक आए थे ताजमहल घूमने के लिए सुबह छः बजे के अराउंड जब ये पर्यटक वापस ताजमहल घूम कर आए थे अपनी बस में तो इनको इन लोगों ने पाया कि हमारे पैसे मिसिंग हैं तो लगभग इनके 280 यूरो 300 यूएस डॉलर और 21,600 रुपये तो लगभग पूरा 65,500 रुपये इंडियन करेंसी में मिसिंग था तो जैसे ही हमको सूचना मिली मैं इनके पास पहुंचा इन्होंने अपनी रिटन कंप्लेंट दी थी हमको कि हम इसमें कार्रवाई चाहते हैं तो तहरीर मिलने के बाद तुरंत से कार्रवाई करने के बाद हमने टूर ऑपरेटर से बातचीत करी और क्लीनर से बातचीत करी तो हमको पता चला कि इसमें क्लीनर का रोल गिल्टी था तो उसको पूछताछ करने के बाद कड़ाई से सारे के सारे पैसे उसने भी सरेंडर कर दिए और हमने इनका सारा का सारा पैसा वापस करने का इनको सौंप दिया हमने पैसा इनको सर इस तरह का आगरा एक पर्यटन नगरी है और अब सीजन स्टार्ट होने वाला है अगर इस तरह से कोई अभियान चलाया जाएगा क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया अभी कुछ दो दिन पहले फतेहपुर सीकरी में भी एक पर्यटक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया था और यहाँ भी क्लीनर के थ्रू चोरी का ये मामला प्रतीत होता है तो इसमें टूर ऑपरेटर को कोई हिदायत दी गई है या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए टूर ऑपरेटर को भी कड़ाई से वार्निंग दी गई है क्योंकि अगर यहाँ पर इन लोगों ने ऐसा ना कोऑपरेट करा गया तो उनके खिलाफ भी आगे काफ़ी बड़ी कार्रवाई हो सकती है तो इन्होंने खुद अपनी गलती भी मानी है और जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी चाह रहे हैं कि इनको माफ़ कर दिया जाए तो इनके कहने पर ही इनको माफ़ी दी जा रही है अदरवाइज़ इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता और पूरे के पूरे टूर ऑपरेटर के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई होती आगे भी ऐसा अभियान चलता रहेगा कोई भी पर्यटक किसी प्रकार से कोई परेशानी होती है तो आगरा पुलिस उसके लिए सदैव तत्परता से तैयार है